स्वागत है आपका ट्रेडर अनसॉल्व चैनल में। और आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो कि है इमोशन को कंट्रोल कैसे करें। तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। अगर आपको भी ट्रेड लेने से पहले डर लगता है, या फिर प्रॉफिट होता है तभी डर लगता है, या फिर लॉस होता है तभी भी डर लगता है, तो आपको इमोशन कंट्रोल करने की बहुत ही ज़रूरत है। तो इमोशन कंट्रोल कैसे करें, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे इमोशन जो है, इमोशन कंट्रोल करने से पहले हमें साइकोलॉजी हमारी कंट्रोल, मतलब कि साइकोलॉजी ठीक करनी पड़ेगी, साइकोलॉजी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तभी ये जो इमोशन है वो यहाँ पे ठीक होंगे। हमारे जो भी फियर है, लालच है, सारे यहाँ पे कंट्रोल होंगे जब भी हमारी साइकोलॉजी यहाँ पे इम्प्रूव होगी। और साइकोलॉजी जब कब इम्प्रूव होगी, जब हमारे पास एक्सपीरियंस होगा, राइट। जब हमारे पास एक्सपीरियंस होता है तभी हमारी साइकोलॉजी इम्प्रूव होती है, और जब साइकोलॉजी इम्प्रूव होती है तब हमारे इमोशन यहाँ पे इम्प्रूव होता है। तो ये चीज़ सिंपल सी है, लेकिन ये चीज़ कोई भी बताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्यूज़ आते हैं उनको, तो यहाँ पे क्या करता है, ऑपरेटर की साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजी, रिटेलर की साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजी। लेकिन है तो सभी इंसान ही ना, सभी इंसान है तो सभी इंसान की तरह ही सोचेगा, राइट। तो यहाँ पे जो भी बंदे के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो थोड़े ज़्यादा एडवांस लेवल की सोचेंगे, और जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या सोचेगा, वो रिटेलर की तरह सोचेगा। रिटेलर इन द सेंस कि जो नए बंदे आए हैं, जिसके जो मार्केट में एक महीने से, दो महीने से, या फिर छः महीने से, या फिर एक साल से आए हैं, वो लोग जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह सोचते हैं, राइट। तो यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो आपको मार्केट में जो चीज़ें हैं उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। रोज़ शाम को जब मार्केट बंद होता है, देखो मैं आपको एक सीक्रेट चीज़ बताता हूँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ मार्केट की, कि जब मार्केट बंद होता है ना तभी आपका दिमाग भी बंद हो जाता है। कैसे? जैसे कि जब मार्केट चालू होता है तो हमें क्या होता है कि हम सिर्फ ट्रेड लेने के बारे में ही सोचते हैं, ट्रेड लेने के बारे में सोचते हैं, लेवल के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब मार्केट बंद होता है तब हम क्या सोचते हैं, तब हम देखते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव किया है। तो जब भी मार्केट ऑफ होता है तो शाम को कम से कम एक घंटा या फिर दो घंटा मार्केट में ऐसे थोड़ी सी एनालिसिस करो कि मार्केट आज किस तरह से मूव किया है, किस तरह से मार्केट ने रैली दिखाई, किस तरह से मार्केट आज साइडवेज हुआ, क्या आज जो मूवमेंट हुई पास्ट में ऐसी मूवमेंट हो चुकी है। जैसे कि जस्ट एग्जाम्पल, मार्केट यहाँ से नीचे आया, राइट, मार्केट फिर से यहाँ से नीचे आया, राइट। यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, मार्केट पहले से यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे देख सकते हो, उसके पहले भी मतलब कि पास्ट में भी मार्केट यहाँ से नीचे आया था। तो अभी जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर गया है तो मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, राइट। तो ऐसे जो होते हैं एनालिसिस वो किया करो, राइट। तो यही चीज़ है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस है तुम्हारी साइकोलॉजी इम्प्रूव होगी, और साइकोलॉजी जब इम्प्रूव होगी तो तुम्हारे जो इमोशन है, जो तुम यहाँ पे ट्रेड लेते हो उसके बाद डर जाते हो, ट्रेड लेने के बाद अगर प्रॉफिट होता है, कभी कभी जो बंदा होता है, मैंने काफ़ी बार जो हमारे क्लाइंट होते हैं जो ग्रुप में होते हैं, जो ऐसे ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद मार्केट ऊपर भी जाता है, मतलब ये वो सीई लेते हैं, सीई लेने के बाद मार्केट ऊपर जाता भी है, फिर भी उसको डर लगता है क्योंकि मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट करता है, ऐसे फ्लक्चुएट करता है। तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे थोड़ा सा नीचे आता है तो उसको ऐसा लगता है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा नीचे की तरफ। लेकिन ये है इमोशन आपके, क्योंकि आपके इमोशन इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि आप थोड़े से अपने ट्रेड को होल्ड कर सको। तो जैसे कि हमने हमारे कोर्स में, हमारा एक कोर्स है जिसमें हमने बताया कि कैसे एडवांस लेवल में हम हमारी प्रोबेबिलिटीज़ निकाली जाती है कि कैसे अगला मार्केट किस तरफ मूव करेगा, कैसे एडवांस लेवल में प्लान बताए जाएंगे, कैसे ऑपरेटर्स जो है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो ऑपरेटर्स है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो कैसे सोचते हैं और कहाँ पर ट्रेड लेते हैं, और उसके साथ साथ अगर हमको ट्रेड करना है तो कैसे हम कर सकते हैं, वही चीज़ हमने हमारे कोर्स में
यहाँ पे बताई है। तो क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, तो वहीं पे आप जाके कोर्स बाय कर सकते हो। राइट, देखो कोर्स की प्राइस ज़्यादा नहीं है। राइट, कोर्स की प्राइस कितनी है, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, निफ्टी में ट्रेड करते हो 5 लॉट से, और उसका SL 10 रुपये का SL वहाँ पे हिट होता है, और जितना यहाँ पे तुम्हारा लॉस होता है उतने ही प्राइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोर्स में आपको दिखेगी। मतलब कि 5 पॉइंट का SL अगर हिट होता है, 5 या 10 पॉइंट का अगर SL हिट होता है, सिर्फ 5 लॉट से अगर आप काम करते हो और 10 पॉइंट का आपका SL हिट होता है, जितना वहाँ पे लॉस होता है उतनी प्राइस यहाँ पे तुमको कोर्स में देखने को मिलेगी। तो काफ़ी छोटी प्राइस यहाँ पे देखने को मिलेगी, और इसमें जो नॉलेज है, जो चीज़ें आपको बताई गई है वो नेक्स्ट लेवल की है। राइट, तो आपको ट्रेडिंग सीखनी है, अच्छे से सीखनी है, जो रियल चीज़ है, जो ओरिजिनल चीज़ है वो अगर सीखना है, ना कि ऐसे इंडिकेटर सीखना है। ऐसे लाखों तरह के इंडिकेटर्स मार्केट में हैं, फिर लाखों तरह की कैंडल्स भी मार्केट में लाखों तरह की है। देखो कैंडल्स मतलब कि हर इंसान कैसे सोचता है, अभी तुम हर इंसान के बारे में सोचना कैसे सोचता है ये पता करने जाओगे तो तुम ट्रेडिंग कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको ट्रेडिंग करने की है, तुमको पैसे कमाने के लिए करनी है। तो ट्रेडिंग को इजी बनाओ। तो ट्रेडिंग को कैसे इजी बनाना है, वही चीज़ हमने हमारे कोर्स में बताई गई है, और उस कोर्स में जितने प्राइस आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे किसी भी कोर्स में आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे मार्केट में आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े प्राइस, हजारों लाखों रुपये के कोर्स की प्राइस यहाँ पे देखने को मिलती है। उस हिसाब से तो यहाँ पे जो प्राइस हमको देखने को मिलती है काफ़ी छोटी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप कोर्स बाय कर सकते हो, अच्छा कोर्स है। अगर आप नहीं करना चाहते फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और इमोशन कैसे कंट्रोल करते हैं वो चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी कि इमोशन कंट्रोल करने से पहले हमारी साइकोलॉजी, मतलब कि हमारे विचार, हम कैसे सोचते हैं, वो हमको कंट्रोल सही इम्प्रूव करने पड़ेंगे, पॉजिटिव रखने पड़ेंगे, दोनों तरफ के चीज़ें को हमको देखनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग यहाँ पे रखनी पड़ेगी, तभी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद अब साइकोलॉजी कब ठीक होती है, एक्सपीरियंस से होती है, और एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, आफ्टर मार्केट। अगर आप जो मार्केट में एनालिसिस करते हो और चीज़ों को देखते हो, करे बाप रे यहाँ पे तो ये हुआ था, वहीं से अपना एक्सपीरियंस निकल के आता है। तो वही ओरिजिनल चीज़ें यहाँ पे कोर्स में भी बताइए और चैनल में भी बताता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोर्स लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप इजीली कोर्स को बाय कर सकते हो।